सिर्फ थोड़ी सी सुन ले, आप यूँ कह रहे भाई बच्चे पतंग उड़ा रहे, ठीक है, डोर भी है तो इनको थोड़ी टिकोण दे रहा भाई जी, गवर्नमेंट दे रही ना बारह बजे बात इसमें बोल दो ना भाई, ये डोर के कारण कट रही है, टूटी थी ना जी, उस टाइम में मौके पर था, मेरी बाइक लगभग कोई 10 मीटर भी नहीं थी जब ये गिरी। अच्छा। और फुल बहुत जोर से झटका लगा और घड़ाके की आवाज आई पूरी, और सबसे बड़ा कारण है ये सभी तार बहुत हो चुकी है, ये धीरे धीरे गिरने लग गई है, 3-4 दिन पहले भी गिरी थी, फिर आते हैं ऐसे ही जोड़ के और चले जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीचों बीच सड़क के इस तरह से ट्रैक्टर क्यों खड़ा हुआ है, काफी सारी बाइक एक्टिवा क्यों खड़ी हुई है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कटाबाग के इस इलाके में पार्श्वनाथ सिटी के जो बिल्कुल सामने यहाँ पर पड़ता है गेट के सामने, यहाँ पर जो हाई वोल्टेज तार है बिजली की वो बीचों बीच सड़क के गिर जाती है, देख सकते हैं सामने ये तार जो है बिजली की मेन लाइन है वो नीचे इस तरह से गिर जाती है, और इसी करके यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर अड़ा दी, देख सकते हैं एक जो एक्टिवा वाले वहां से आ रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है, यहाँ पीछे ट्रैक्टर खड़ा किया गया है, बाइक एक्टिवा सब खड़ी की गई है ताकि लोग यहाँ से ना आ जा सके, कोई कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि काफी हाई वोल्टेज ये तार है। आप लोगों से यही अपील करूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर मैं अभी इस वक्त की बताऊं आप लोगों को बहुत तेज आवाज आ रही है क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज ये वायर्स यहाँ से जा रही है, वहां से कनेक्टेड है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि लोगों जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कल भी एक वायर टूटी थी और उसे बहुत ही जोड़ के तो गया, लेकिन बहुत ही इस तरीके से जोड़ा गया कि फिर से दोबारा एक और वायर आज गिर जाती है, और देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं जानबूझकर ये जो ट्रैक्टर है बीच में लगाया गया है ताकि कोई हादसा ना हो जाए, कोई इंसान जिसको ना पता हो वहां पर हाई वोल्टेज जो तार है नीचे गिरी हुई है बिजली की, हादसा ना हो जाए। वहीं जानवर आ रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये गायें हैं, ये भी आगे जा रही थी, इसे भी साइड पर भगाया गया, कुछ लड़कियां उधर से आ रही थी, काफी लोग यहां से आ रहे थे उन्हें यहां पर रोका गया है, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उधर घर भी हैं, तो सभी यहां पर महिलाएं बच्चे सभी लोग रहते हैं, तो हादसे का एक खतरा जरूर यहां पर बना हुआ है, तो जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या हुआ है यहां पर? मैडम जी मैं आया था उधर से, अरे मैंने देखे तार टूटी गिरी जी, एक रेडी वाला बच्चा सब्जी वाला के ऊपर गिरने से बच गई, हाँ, तो उसके फिर आते सार मैंने ये मोटरसाइकिल लगाई, अपनी बाइक लगाई बीच में, अरे फिर मैंने लोगों को बोला भाई आप उधर नहीं जाओ, एक्सीडेंट होने का खतरा जी। हाँ, किस वक्त की बात है? सुबह अभी थोड़ी देर पहले जी, 1 घंटा पहले टूटी जी, कल भी टूटी थी मैडम जी। फिर कोई आया था ठीक करने बिजली? आया था जी, हमारे तो पता नहीं रात को आया होगा, जो तार वहाँ खंभे बांध के चले गए, उन्हें दोबारा बंद ही नहीं तार ऊपर जी। अभी फोन किया गया किसी को? फोन किसी को नहीं किया जी, बिजली वाले आए थे थोड़ी देर पहले, फोन किया था बिजली वाले को, आए थे देख के चले गए जी, मैंने वो बड़ी लाइन वाले काम आ चुके। अच्छा। हाँ जी, तो कल भी ये सर तार गिरी थी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जान तक भी जा सकती है किसी की, जितनी हिसाब से हाई वोल्टेज वायर है, क्या कुछ किया जा रहा है बिजली विभाग? जिस टाइम ये टूटी थी ना जी, उस टाइम में मौके पर था, मेरी बाइक लगभग कोई 10 मीटर भी नहीं थी जब ये गिरी। अच्छा। और फुल बहुत जोर से झटका लगा और घड़ाके की आवाज आई पूरी, और सबसे बड़ा कारण है ये सभी तार बहुत हो चुकी है, ये धीरे धीरे गिरने लग गई है, 3-4 दिन पहले भी गिरी थी, फिर आते हैं ऐसे ही जोड़ के और चले जाते हैं, फिर टेम्परेरी काम करके जाते हैं, और ये देखो 11,000 रुपए गिरी है कल, ये सभी खंभे है ना सभी में करंट आ चुके था, शुक्र है परमात्मा का सब बच गए, मतलब कि जी, आप भी कह रहे हैं आपकी बाइक बिल्कुल, हाँ मेरी बाइक थी जी, मेरे सामने की बात है जब अभी टूटी जी, वहाँ पे सड़क पे था जी, मेन सड़क पे में तब गिरी थी जी, और इसको ये लड़का है जी जब गिरी थी उस, ये जो बड़ी लाइटें हैं जी काफी मरकरी लग रही, इसका झटका लगे जी, ये बता रहा है मेरे को झटका लगा। अच्छा, किसे? ये जर्सी पहन रहे जी, ये जैकेट पहन रहे जो। अच्छा। इसका जी ये अब टूटनी चालू हो गई है जी, इसका समाधान, वायर्स भी काफी नीचे लटक रही हैं, ये सभी वायर लटक गई, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, हादसा नहीं बहुत भयंकर हादसा हो जाएगा जी, ये पूरी लाइन ये देखो जी, एक घर पे नहीं गिरी हुई है, सब भी
मतलब सब कोई प्रॉब्लम है और ये धीरे धीरे गिरने लग गया है, इनको चेंज करा जाए जी, बस यही है हमारी अपील जी। बस खेत भी है यहाँ पर कुछ, ये खेत भी है जी, हाँ जी काम कर रहे जी, ये गाय भैंसे फिर चुक रही बेचारी, मतलब ये अब गिरने लग गए हैं जी सारी, ये खुदा ना खास्ता है खम्भे भी बोधे हो गए हैं भी गिर सका जी, अब इनकी लिमिट खत्म हो चुकी है जी, बस इनको अच्छे से लगाया जाए। ये तो मतलब खुद ही हादसे को बुलावा दिया जा रहा है, खुद ही बुलावा दिया जा रहा है जी, या तो इनको उतार के ले जो नहीं यहाँ पे, नहीं क्या कुछ मांग करेंगे प्रशासन से, मांग यही है जी प्रशासन तक, या तो इनको हटा दे जी, या इनको मतलब नहीं वायर लगा दे, बस यही है जी। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी वायर्स जो और जो ऊपर है वो किस तरह से नीचे लटक रही है, ये भी कभी भी गिर सकती है, तो काफी बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो सकता है। इस वक्त काफी तेज आवाज आ रही है कि इन वायर्स में बहुत ज्यादा करंट है, बिजली इस वक्त चल रही है, और लोगों का कहना है, आप लोग देख सकते हैं आप पहले ये सामने से बाइक्स आ रही है, इनको यहाँ पर रोका जा रहा है कि आगे मत बढ़िए, आगे मत आइए, खतरा हो सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो वही लोगों का कहना है कि प्रशासन को, बिजली विभाग को, कि यहाँ पर ये जो वायर्स हैं काफी ज्यादा लूज हो चुकी है, नीचे गिरने का डर है। कल एक वायर गिरी है उसको भी टेम्पररी जोड़कर गया गया, और अब देख सकते हैं ये वायर गिर गई है और दूसरी वायर्स भी नीचे लटक रही है, तो कभी भी हादसा बहुत भयंकर हो सकता है। घर है सामने, आप लोग देख सकते हैं, बच्चे रहते हैं, महिलाएं हैं, और वही पशु भी है यहाँ पर, तो पशुओं को भी यहाँ पर आने जाने से रोका जा रहा है, तो कुछ भी बड़ा हादसा, भयंकर हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कटा बाग का ये एरिया है पार्श्वनाथ सिटी के बिल्कुल सामने, जो गेट के बिल्कुल सामने, इस तरह से ये वायर गिर जाती है और हाई वोल्टेज ये वायर है जी, हाँ हाई वोल्टेज वायर है। हालांकि उन्होंने बताया कि एक शख्स यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें झटका भी लगता है, और गनीमत ये रहेगी कोई वक्त कोई इंसान उस वक्त नीचे मौजूद नहीं था, अगर वायर उसके ऊपर गिर जाती कुछ भी हो सकता था जी, हाँ कुछ भी हो सकता था। काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सभी को आने से यहाँ पर रोका जा रहा है कि ताकि कुछ और हादसा ना हो सके। बच्चे हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर अड़ाया हुए सर, क्या ये क्या हमेशा ऐसे रहता है, वायर्स गिरती रहती हैं ये बरसात में जी, दो तीन फेरी तो टूट ली तार ये। अच्छा। पहले भी जोड़ के गए थे, अब की दो दिन हो टूटी पड़ी है तार, कोई नहीं आके देखा किसी ने भी यहाँ पे, ये नहीं मैडम, अंदर सारा जाल खिंडा पड़ा अंदर भी जी, बुरा हाल हो पड़ा अंदर, छोटी बात हुई है बिजली विभाग से, बिजली विभाग से भी कोई भी आवर देख कर चले जावा, कोई भी कुछ भी करका नहीं जानता, कटे बाग में इतना बुरा हाल हो रहा, सारा जाल खिंडा पड़ा जी, और बड़ी लाइन सारी टूटी पड़ी, अंदर जाकर देखो खतरा है, बच्चे हैं, बच्चे सारे फिर है जी, बन मानना कोई बच्चा टहलता टहलता इधर आ गया, किसी ने तार पकड़ ली, कोई पता थोड़ी लगा, ये छोटी है जी हादसा, जो गांव के अंदर ये मेन तारे हैं 11000 जी, हर रोज टूटती रहती हैं, सबको बोल दिया हमने, प्रशासन बिल्कुल भी इसकी सुनाई नहीं कर रहा है जी, ये सब बंदे खड़े हैं गाँव के ही हैं जी, जो ट्रांसफार्मर है उससे आगे हर रोज डेली के डेली, ये नहीं एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो नहीं टूटती, बिल्कुल प्रशासन से हम तो बिल्कुल ही कुछ के ही नहीं सकते जी, देख सकते हैं लोग काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हैं और गुहार कर रहे हैं प्रशासन से, बिजली विभाग से, कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए, बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं यहाँ पर, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है, पशु भी यहाँ से होकर गुजरते हैं, और काफी ज्यादा परेशान है, हाई वोल्टेज ये वायर है, इस तरह से नीचे गिर जाती है, लेकिन कहा जा रहा है बिजली विभाग के लोग तो आते हैं लेकिन देख कर चले जाते हैं, टेम्पररी काम कर किया जाता है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कटा बाग का एरिया जहाँ पर हाई वोल्टेज तार जो है टूट जाती है, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं खतरा जो है वो इन सबके लिए बन जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा करंट जो है इन तारों में है, और उसके बाद कल भी एक तार टूटी थी जबकि उसको टेम्पररी बताया गया कि जोड़ा था, लेकिन आज जो है दूसरी और तार यहाँ पर टूट जाए, जिसके कारण काफी खतरा जो है वो बन जाता है। देखते कि यहाँ पर बड़ी बड़ी जो तारे हैं वो यहाँ से गुजर तो रही हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं खतरा जो है वो जरूर बन जाता है, क्योंकि गांव के अंदर का जो है रास्ता है वो आने जाने का है, इसके कारण जो है काफी लोग आ भी रहे हैं, उनको जो है दूर से ही रोककर जो है वापसी की ओर जो है भेजा जा रहा है, और उनको जो है घूम के दूसरी ओर से जो है भेजा जा रहा है, ताकि कोई और खतरा जो है अनहोनी जो है यहाँ पर ना हो। काफी लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, काफी गुस्सा है, रोष है, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, एक तार ठीक करके जाते हैं तो दूसरी तार जो है वो अपने आप जो है टूट जाती है, और हालांकि देखते हैं कि काफी लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि कोई और यहाँ से आदमी ना जाए, इसको पता नहीं है वो ही इसकी चपेट में ना आए, कहीं ना कहीं रोष है, गुस्सा है, कुछ यहाँ पर लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे जो ये गंगा जमुना बह रही है ना सर, ये देखो उधर दिखाओ जी थोड़ा, और इसमें भी करंट आ रहा है जी, ये इसमें भी करंट आ रहा है, कोई भी बढ़ गया ना इसमें गेली हादसा है जी,
तो देख सकते कि यहाँ पर जो है काफी गंदगी भी यहाँ पर है। और क्या कुछ कहेंगे बिजली विभाग से आए थे क्या कुछ? देखो सर, हम तो प्रशासन से मांग करते हैं भाई काम बढ़िया करो, ठीक है ना, ये तार टूटी पड़ी जिनको ठीक कराई जाए, तो ये रिक्वेस्ट है। बताया कल आए थे टेम्परेरी काम कर गए। टेम्परेरी काम गलत है ना सर, ये ऐसे नहीं करना चाहिए ना, काम मजबूत करना चाहिए जी। हाँ ये बात है, गुहार लगाएंगे सीएम साहब से, एक गुहार है जी भाई काम अच्छा करें। बिल्कुल, देखते हैं कि काफी कहीं ना कहीं खतरा जरूर यहाँ पर बन जाते किस तरीके से। जो है कल जो है बताया गया था कि यहाँ पर कल भी जो एक तार टूटी थी, हालांकि उसको जैसे यहाँ पर जो है लगा दिया गया। देखते हैं कि किस तरीके से रोष जो है गुस्सा है वो यहाँ पर बिजली विभाग से जो है पर पहुंच चुके हैं, हालांकि इनका कहना है कि पतंग के कारण जो है पर तारे टूट जाते, क्योंकि पतंग भी जो है यहाँ पर काफी उड़ती हुई नजर आ रही है। अब जो है फिलहाल बिजली विभाग के पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आसपास के जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि कल जो है यहाँ पर पहुंचे थे टेम्परेरी काम कर जो है चले गए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी तार टूट जाती है। हालांकि जो बिजली विभाग के कर्मचारी उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है काफी पतंगे भी जो है उड़ रही है, जिनके कारण जो है डोर के कारण जो है वो यहाँ पर जो है तारे कट जाती हैं। हालांकि अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल ठीक भी किया जाएगा ताकि किसी को जो है परेशानी ना आ सके। उसके बाद जो है यहाँ पर अब जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो फिलहाल देखते हुए नजर आ रहे हैं ताकि इसको जो है जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, किसी और को जो है यहाँ पर कोई खतरा ना हो। और अब जो है फिलहाल मेन जो है यहाँ पर पहले बंद किया जाएगा ताकि उसके बाद जो है यहाँ पर ठीक किया जा सके। देखते कि यहाँ पर जो है अब फिलहाल जो है बिजली विभाग के कर्मचारी, हालांकि कल भी है बताया गया था कि कल भी आए थे और आज जो है दोबारा यहाँ पर पहुंचे हैं और अब जो है फिलहाल उसको जो है ठीक करने की जो है यहाँ पर कोशिश की गई। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप यूँ कह रहे भाई बच्चे पतंग उड़ा रहे, ठीक है, डोर भी है तो इनको थोड़ा टिकोण दे रहे भाई जी, गवर्नमेंट दे रही बारह बजे बात इसमें बोल दो ना भाई, ये डोर के कारण कट रही है मजबूत कराए रेडी वाला बच्चा भी ला दे जाम सा किसने क्लियर कर देंगे टूटने का कल भी टूटी थी, कल भी हम कर गए थे काम, सवेरे भी आए हम रात 12 बजे तक लगे रहे, सवेरे 8 बजे आए क्लियर करके चले गए थे। अभी फिर दूसरी तार टूटी है, वो नहीं टूटी, लूज नहीं है, नहीं कट नहीं रही है मैडम ये जो अरथ की तार है, ये अरथ की तार है, ऊपर होती है ये अरथ की, ये फेस की होती है, ये अरथ में लिपट कर और इसमें का फेस में ज्वाइंट हो जाता है इसका, और इसकी वजह से उसमें करंट चला जाता है और वो जब धमाका होकर कटती है टूटती है ये तार। अब इसको रिपेयर करेंगे हम। यहाँ पर जो है बिजली विभाग के कर्मचारी जो है पहुंच चुके हैं, फिलहाल इस तार को जो है वो ठीक किया जाएगा। हालांकि 1 से 1.5 घंटा बताया गया है कि यहाँ पर जो है किसी को आने नहीं दिया जाएगा ताकि जब तक काम चल रहा है तब तक जो है कोई इसकी चपेट में ना आए। हालांकि आसपास के जो गांव के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष है, गुस्सा है कि किस तरीके से कल भी जो है तार यहाँ पर टूट गई थी, आज एक बार फिर से जो है अलग तार जो है वो यहाँ पर टूट जाती है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।